भारत माँ को जाके मेरा सलाम बोलना मेरी मिट्टी को। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर नहीं है, कुछ गलत नहीं है। थैंक यू जाने के लिए। माँ जी ऐसा लग रहा बच्चे की चड्डी है पहन ले। मैं सोच रहा हूँ कि कितना रिस्की जॉब है जो यहाँ पर ऐसा काम करते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रेडी? यस। चलो। तो कितने घंटे का फ्लाइट है मयूरी? 14 घंटे का। 14 घंटा? और डायरेक्ट फ्लाइट है कि वाया है किधर से? डायरेक्ट फ्लाइट है। ओह लकी यू, यू गॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट। वैसे तो तेरा यहां का एक्सपीरियंस कैसा था वो पता पहले। 1.5 साल तू यहां पर रही है, यहां का क्या एक्सपीरियंस था? हां बता दे यार। नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब जो सोच के आई थी वही सब गोल्स वगैरह सब अचीव हुए प्रॉपर। गाइस रोन विद हियर, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, हम लोग को निकलना था 8 बजे। तो बीच रास्ते से हम लोगों ने गाड़ी घुमाई और जाके मयूरी का वॉलेट वापस से पिकअप किया क्योंकि मयूरी भूल गई थी अपना वॉलेट। कहाँ पर टांग दिया था तूने? लैंप पे। और मयूरी की अभी फ्लाइट है इंडिया के लिए, वो है 12 बजे। तो आई थिंक 9 बजे तक अगर हम लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो 3 घंटे आई थिंक इट्स मोर देन इनफ कि चेकिंग वगैरह करो, अपना जो भी लगेज है उसको लोड करो। तो आई थिंक सो इट इज़ मोर देन इनफ। और सामान कितना है तुम्हारे पास? 2 लगेज बैग, उसमें 1 एक्स्ट्रा लगेज बैग, तो टोटल 3 लगेज बैगेस बैगेजेस एंड 1 ट्रॉली बैग एंड 1 सैक। कितने फ़ोन लेके जा रही हो? आईफोन? नहीं आईफोन नहीं है, बस 2 फोन है। एंड्रॉइड? नो आईफोन फैन। क्या बात कर रही है, आईफोन नहीं? चलो ठीक है, एकदम आगे से घुसाना। ये जो इतनी बड़ी लाइन है ना, आगे लेके जा, आगे से राइट ले लेना सुमड़ी में। हमारा ड्राइवर है आज मोसे। अरे बोलेगा गुड मॉर्निंग, कुछ के नहीं बोलेगा। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ अरे आगे ले, आगे ले, आगे ले, टेंशन मत ले, ले ले ले। मयूरी एक बात बताओ कि ये टिकट वगैरह अभी नॉर्मल मिल रही है क्या इंडिया की? मिल जाता है ना। हाँ। और एक कोविड टेस्ट तुमने रैपिड कराया है कि मतलब टेक योर ओन टाइम वाला कराया? नहीं, आरटीपीसीआर करके रहता है कोविड टेस्ट, जो वैलिड रहता है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो। अच्छा। रैपिड टेस्ट काउंट नहीं होता। तो मतलब ये जो तुमने टेस्ट कराया वो कितने दिन तक वैलिड है? 72 आवर्स। और तुमको वहाँ इंडिया जाकर वापस कराना ही पड़ेगा एनी वेज एक टेस्ट? नहीं कराना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा वो एक्सपायर हो गया 72 आवर्स के ऊपर। हाँ तो फिर इसको वो होना पड़ेगा, क्वारंटीन होना पड़ेगा। हाँ। तुम ये कंट्री छोड़ोगे अगर वाया वाया तुम्हारा फ्लाइट रहेगा तो तुमको वापस से जाके टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर तुम्हारा डायरेक्ट फ्लाइट है ना, आई डोंट थिंक सो कि तुमको फिर वापस से कराना पड़ेगा। और वाया मलाड, वाया मलाड, वाया मलाड, वाया मलाड होके सीधा मीरा रोड, मीरा रोड होके जाना। मैं पूछा था ये टिकट कितने की आई तुम्हारी? $600 की थी। इतनी सस्ती? पर वन वे है ना। नहीं बहुत सस्ती मिली है, जस्ट बिकॉज अभी कोविड है ना तो ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, इसलिए एयरलाइंस वाले भी ना सस्ते में टिकट दे रहे हैं। अभी वेगस की टिकट कितने की मालूम है देखो? $60। ब्रो $25 में भी आ रहे टिकट। $25 की? $25 काम 25 है, काम दाम 25। पच्चीस $20 में सीधा फ्लोरिडा। हाँ तो जब तक हमारी ट्रैवलिंग हो रही है, एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं, आप लोग को बताते हैं कि कल रात को मयूरी का फेयरवेल कैसा हुआ था। और अच्छा होगा तो याद करना, मुझे मैसेज बिरयानी भेजना, चिकन बिरयानी, आई विल लव इट। मास्टर मैं थैंक यू जाने के लिए। थैंक यू। हंसने के लिए अभी हमें सुनाई नहीं देगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय करना न्यूजीलैंड जाके, पिक्चर भेजना और हो सके तो बुला लेना। Happy journey and all the very best for your future. Thank you. Okay. So because of her, I have learned how to take care of kids. Thank you so much. मेरे को सिर्फ इसका एक ही सीन याद आता है, कौन सा मालूम है? जब अपन आए थे यहाँ पर और आ गई थी उठ के 12 बजे। Especially happy that you are going for your kid. But work wise, I'm very impressed with you. Oh. Oh, la 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 la. Hey, la la la. Great mother.
सबसे पहले मयूरी थैंक यू सो मच जाने के लिए, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा और ये लड़की है जिससे सीखा। अच्छा जब कोई ऐसा आता है घर पे पार्टी वार्टी करता है उसको कैसा परेशान करने का। केक बनाया वाला रिलेशन था अपना मेरा गलत है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ हार्श फीलिंग्स नहीं है। तो किसी के साथ झगड़ा भी हुआ है ना, दिल पे मत लगा के लेना है ना, बस बस। श्रद्धा रो रही है और सोफिया भी रो रही है। अरे सोफिया भी रो रही है, अरे अरे सच में रो रही है। दीपिका को बादाम खिला, स्वरूप जैसा मत करना, अभी नहीं करना। अरे रेशमा कंट्रोल। तो ऐसी रही हमारी मयूरी की फेयरवेल पार्टी, मयूरी जा रही है कल, तो आपको वापस में मिलता हूँ गाड़ी पे। तो अमेरिका लोग आते हैं हंसते हंसते और जाते हैं उदास होकर, बट ये मयूरी एक ऐसी है जो कि हंसते हंसते जा रही है इंडिया, और क्यों जा रही है हंसते हंसते वो आपको मयूरी ही बता सकती है। मयूरी बताओ कि क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में ऐसा कि तुम इतना हंसते हंसते जा रहे हो? मैं मेरी बेटी को मिलने जा रही हूँ फाइनली 1.5 साल बाद। और मयूरी के हस्बैंड हैं, उनको न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल हो गया है, तो वहाँ पर जाके पढ़ाई करने वाले हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो एक कोर्स भी करने वाले हैं। शायद मयूरी भी कुछ एक साइड बाय साइड कोर्स करेगी ताकि आगे चल के उनका फ्यूचर ब्राइट हो और उनकी बेटी का फ्यूचर भी ब्राइट हो। तो जितने भी लोग चाहते हैं मयूरी को विश करना, प्लीज़ ऑल द बेस्ट कॉमेंट्स में ज़रूर लिखना। मयूरी ऑल द बेस्ट। इंडिया में कैसे बड़े लोग जाते हैं तो पैसा वैसा दे देते हैं बच्चे लोग। वही बोल रहा जा रही है तो कुछ ट्रीट दे दे, मैं गाड़ी ले लेता हूँ मैकडॉनल्ड में, कॉफी हो जाए। मयूरी बहुत दिलदार है, अरे बहुत दिलदार है, देख अभी स्माइल कर रही है, देख गाइस। हां ये वो आई थी लेने भी मैं गया था, छोड़ने भी मैं जा रहा हूं, तो आज मैं भी था। अरे ये भी था, ये भी था, हम दोनों, आज सब लोग तीन लोग हैं। There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Drive through. Thank you so much. It should be cream and sugar. Okay, can you add mac chicken biscuit and hash brown? बाप रे भाई, आज लूट लेगा यार ये आदमी। भाई को पहली बार नाश्ता कर रहा लग रहा है। मैकडॉनल्ड में पहली बार आया है। नहीं नहीं ब्रो, तू खाने का क्या? मैंने वो बोला ना, वो बुरीटोस, तो और एक मंगा लेना। दो? हाँ नहीं ब्रो, मैं एक ही खाऊंगा, मतलब एक एक तू खाएगा। हाँ, फ्राइज बोलू क्या? हाँ हाँ बोल। विंडो चेंज। पहले विंडो इसके आई थी, भाई ने चेंज कर दिया, पीछे वाली विंडो सीधा। भाई ने कार्ड लिया है, डायरेक्ट रिवर्स मार लिया। प्रूफ के लिए मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया कि मयूरी ही पैसा दे रही है। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली एक काम करते हैं, अभी सीधा खाते हैं और आपको सीधा एयरपोर्ट में मिलेंगे, क्योंकि ये तुम लोग का कुछ खाना पीना भी हो जाए ना, सुबह सुबह कुछ खाया नहीं, ऐसे ही निकल गए हम लोग। अभी सीधा आपको एयरपोर्ट में मिलता है। तो मस्त खाया और अभी हम लोग पहुंच गए न्यू एक है न्यू यॉर्क, एक है न्यू वॉर्क। ये एयरपोर्ट का हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। पहले तो सामान रख दे। और बहुत टाइम के बाद इतने इंडियंस देखे मैंने यार ब्रो। ये मयूरी ने इसको मास्क दिया, ऐसा लग रहा बच्चे की चड्डी है। पहन ले साले, मास्क क्यों लेके आया? पहन अभी पहन। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ए ब्रो ये फॉर्म किस चीज़ है? जब इंडिया जो जाएंगे ना उनको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे कोविड टेस्ट हुआ है हम लोग का, और हम लोग मतलब अगर जो जो अपना कोविड टेस्ट लिया है उसका सब ये फॉर्म है कि हाँ भाई हमने ले लिया है, ले लिया तो साइन वाइन कराते हैं, साइन वाइन कराते हैं। अरे हो गया मैडम? हाँ, आज पता नहीं कितना टाइम हो गया फ्लाइट में ट्रैवल ही नहीं किया। एक टाइम था कि मेरा एक ट्रैवलिंग बैग रेडी रहता था और एक बैग रहता था जो कि सिटी में घूमने के लिए रहता था जब मैं बॉम्बे में रहता था, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता था कि शूटिंग करने के लिए हम लोग अब्रॉड जाना रहता था या फिर इंडिया के अंदर ही हम लोग शूटिंग करने के लिए जाते रहते थे। तो मतलब आज जब एयरपोर्ट पे आया ना तो मेरी सारी पुरानी यादें ना ताज़ा हो गई, क्योंकि बहुत एक्चुअली में बहुत टाइम हो गया कि मैं
फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है यार, टेंशन में आ गया, बोला मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो फ़ोन गाड़ी भी खुली है, ऐसा नहीं कि गाड़ी बंद कर दी है भाई ने, मिल गया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कितना रिस्की जॉब है जो यहाँ पर ऐसा ना काम करते हैं, कितने लोग आना जाना है लोगों का, और कोई भी अगर पॉजिटिव रहा जर्नी, टेक केयर, सबको हाय बोलना, मैं सबको यही बोलता हूँ, भारत माँ को जाके मेरा सलाम बोलना, मेरी मिट्टी को, अपनी मिट्टी को, अपनी मिट्टी तो अलग है भाई, हमारी मिट्टी में डोंबिवली की मिट्टी अलग है। चलो मयूरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, क्या गाना है ब्रो, गिव यू, गिव आवर लव टू योर लिटिल किड। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्त तो सलाम दे। अरे वो वाला करता आते थोड़ी नहीं ब्रो, वही थोड़ी दूर है घर। बस बस अचानक से ऐसा लग रहा है पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया यार। कभी कभी बहुत ऑकवर्ड फील होता है ना, बड़ा कैमरा लेके घूम रहा हूँ। चलो हो गया, अभी यहाँ से निकलते घर पे सीधा। तो अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा ना, जब भी हम लोग मेलैंड से मूव हुए, यहाँ पर मेलैंड से मूव होने के बाद हम लोग सबका रूम सेटअप हो गया था, मोहसिन और रोहन एक ही रूम में रह रहे थे अभी, बट अब मयूरी गई है इंडिया तो मयूरी का रूम खाली हो गया, तो रोहन मयूरी के रूम में चला जाएगा और मोहसिन को अलग अपना सेपरेट रूम मिल जाएगा। चल इधर का अच्छा है ये, सिर्फ नॉर्मल गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं और जो बड़े ट्रक्स हैं ना वो दूसरे साइड चलते हैं, ट्रैफिक का कुछ लोचा ही नहीं है यहाँ पर, अलग है। हाँ लेन अलग कर दिया उन लोगों ने। ओ अभी देख क्या फील है यार, क्या है न्यूयॉर्क सिटी, हाँ न्यूयॉर्क है, देखना एम्पायर स्टेट, बड़ी वो गोरिल्ला वाला एम्पायर स्टेट है ना उधर, वो देख एम्पायर स्टेट वहाँ पर टावर वाला ना, हाँ वो देख उधर। There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth, I can take अच्छी लड़की है मयूरी यार, जितना टाइम भी थी यहाँ पर हमारे साथ बहुत टाइम पास किया, मज़ा आया एक्चुअली में, और उसकी जो मेन जो क्वालिटी है ना वो उसकी हंसी है। कैसा है रोहन? जब अपने रूम में हंसती है ना तो पूरे घर में गूंजता है। चलो फाइनली पहुंच गए घर पे, अच्छा था सुबह सुबह एक छोटे सी आउटिंग हो गई और मेरा व्लॉग भी बन गया। हाँ कचरा इधर डाल दे, और नाश्ता भी हो गया। यूजुअली क्या है मोहसिन और रोहन शिंदे, ये कितने बजे उठते हैं तुम लोग सुबह सुबह? सुबह सुबह नहीं, सॉरी सुबह सुबह बोल रहा हूँ, दोपहर में उठते हैं 2 बजे, रात को सोते सोते वो लोग बजा देते हैं 3-4, पर मैं क्या, मैं जल्दी सो जाता हूँ अपना वीडियो एडिटिंग करके सब कुछ करके, और सुबह उठ जाता हूँ, सुबह नाश्ता वाश्ता हो जाता है, और आज भी वैसे मेरा डेली रूटीन जैसे ही हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या है घर पे, क्या सीन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई तेरी? गुड मॉर्निंग, इतनी बार उठाया ना पूछो मत, 12 बजे गुड मॉर्निंग हो गई तेरी। हमारी वैसे अभी सोने वाला ना जाके, क्या मालूम, सो जा चिल मार, नींद तो नहीं आया। मैंने मयूरी को बोला था कि यार मुझे उठा देना 1 घंटा पहले, मैं तैयार व्यार हो जाऊंगा मस्त। 10 मिनट पहले आके दरवाज़ा ठोकती है, बोलती है रोहन उठ जा चल जाने का, सब फ्लिप फ्लिप मार के उठा, मैं फटाफट मुँह धोया और निकल गया उसके साथ। गुड मॉर्निंग बेबी, आ जा चल आ जा, देखो बाथरूम लेके जाता हूँ, अभी आप लोग भी देख लो कैसे वो बाथरूम जाती है। गुड जॉब, चलो पुप 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 पुप, ये शाबाश गुड गर्ल। इसको तो इसको मैंने ऐसा ट्रेन किया है ना कि सुबह उठती है उसको बाथरूम लेके जाता हूँ, बेसिन में वो अपना बाथरूम करती है, गुड गर्ल। तो अभी घर पे आके आराम करने बैठा ही था और रेशमा जी बोल रही हैं कि चलो इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ निकालने, तो बोला चल कोई बात नहीं निकाल देते। हाँ तो मैडम आज किधर निकालनी है फ़ोटोज़? ट्रेन स्टेशन। अच्छा आइडिया है, किसका आइडिया, किसका है?
याद नहीं आ रहा है। समझ जाना किसका आइडिया है, उसको याद नहीं आ रहा है, याददाश्त खो गई। पर डू चेक आवर इंस्टाग्राम, रेशमा और मैं हम लोग दोनों जन अपलोड करते ही रहते हैं इंस्टाग्राम में, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी पिक्चर्स। मैं हर वीडियो में अपने आप को शाउट आउट देता हूँ, बट इस वीडियो में रेशमा को भी बिग शाउट आउट, क्योंकि अभी वो अच्छे से मेहनत कर रही है अपना इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए, तो वाई नॉट। मैं काफ़ी लोगों का कॉमेंट्स, बीच में भी टाइम नहीं मिला था शिफ्टिंग की वजह से, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने सब कॉमेंट्स वगैरह देखा, सो स्वीट ऑफ यू, जिससे भी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लिखे, थैंक यू सो मच, एंड लाइक करने के लिए भी, एंड दैट इज़ नाइस, अच्छा लगता है देख के। तो फोटोशूट वहीं हो रहा है डेनवर स्टेशन के बाजू में, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है वीडियो को, तुम व्लॉग करने वाले हो कि फोटोज खींचने वाले हो? हाँ एक्चुअली मैं अभी फोटोज खींचेंगे इंस्टाग्राम के लिए तो व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, तो वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर से जाना, रियली अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ बी सेफ, बाय बाय।